ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के नोएडा के बाद अब बुलंदशहर में भी होमगार्डों की फर्जी ड्यूटी लगाकर घोटाला किए जाने का सहायक जिला कमांडेंट ने दावा किया है। सहायक जिला कमांडेंट का दावा है कि 25 मामले ड्यूटी लगाकर घोटाला करने के पकड़े और जांच रिपोर्ट जिला कमांडेंट को दी तो घोटाला खोलने पर तबादला कर दिया गया। यही नहीं, जिला होमगार्ड कमांडेंट पर घोटाले करने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल एसएसपी ने आनंद फानन में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला और फर्जीवाड़ा पकड़ा था और कमांडेंट को बताया, उन्होंने ऊपर लिख के दिया कि, लेकिन वहां पे उन्होंने जो भी कुछ साजिश से करके उसको उसकी ड्यूटी तक पे आज तक रोक तक नहीं लगी। और मैंने यहाँ लड़कों का पैसा पकड़ा, एक भूपेंद्र थे और एक सुखपाल, दो का मैंने पैसा भी जमा करा यहाँ 25,000 रूपए। देखिए, कई जनपदों से सूचना प्राप्त हुई कि होमगार्ड्स जो ड्यूटी पे नहीं भी जाते हैं या ड्यूटी पे नहीं रहते हैं उनका भी भुगतान किया जा रहा है। तो इस तरह की कोई संभावना अपने जनपद में है या नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए मैंने एक टीम गठित की है जो पूरे जनपद में जितने भी होमगार्ड ड्यूटी में रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करेगी या जितने होमगार्ड्स का मास्टर रोल जो है उनके विभाग के द्वारा तैयार किया गया है उनका वेरिफिकेशन करेगी कि क्या उन्होंने ड्यूटी दी है या नहीं। अगर ड्यूटी दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो उसमें अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित।